वीकेंड है तो क्या हुआ, काम तो करना पड़ेगा, एक रात नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा। बचपन से हम सब सुनते आए हैं कि बस कुछ साल और मेहनत कर लो फिर मजे ही मजे हैं। लेकिन क्या अब ये मजे या ये प्रॉफिट किसी की जान से बढ़ के है? कुछ ऐसा ही हुआ है एक लड़की के साथ। सीए रही युवती ईवाई में काम करती थी। ईवाई एक ऐसी कंपनी जिसमें काम करने का सपना हर किसी का होता है, खासकर एक सीए का। लेकिन वो क्या जानती थी ये सपना उसकी जान पर भारी पड़ेगा। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में एक 26 साल की युवती की वर्क प्रेशर की वजह से जान चली गई। सीए रही युवती की मां ने उसके बॉस पर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी के बॉस ने उससे इतना काम लिया कि वो बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। उस पर लगातार काम का बहुत प्रेशर डाला जा रहा था। प्रेशर इतना था कि युवती की काम के बोझ में मौत हो गई। बता दें, युवती ने मार्च 2024 में ही ईवाई ज्वाइन की थी और जुलाई में उसकी मौत हो गई। लेकिन ये मामला उसकी मां के लिखे गए इमोशनल लेटर के बाद सामने आया। युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन की मां अनीता ऑगस्टीन ने ईवाई इंडिया के अध्यक्ष राजीव मेमानी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की और संगठन के भीतर बदलाव का आह्वान किया। अनीता ने पत्र में लिखा, मैं ये पत्र एक दुखी माँ के रूप में लिख रही हूँ जिसने अपने अनमोल बच्चे को खो दिया है। उसने 19 मार्च 2024 को कार्यकारी अधिकारी के रूप में ईवाई पुणे ज्वाइन की, लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई को मेरी दुनिया ढह गई जब मुझे खबर मिली कि एना का निधन हो गया है। वो सिर्फ 26 साल की थी। एना की माँ ने उसे वॉरियर बताते हुए कहा कि काम के बोझ, नए वातावरण और लंबे समय तक काम करने से वो फिजिकली, इमोशनली और मेंटली परेशान थी। इसके साथ ही एना की मां ने बताया कि वो बहुत चिंता में रहती थी, जिसके कारण वो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, लेकिन वो खुद को आगे बढ़ाती रही ये मानते हुए कि जितनी मेहनत और जितना हार्डवर्क वो करेगी उतना ही वो सक्सेसफुल होगी। एना की मां ने ये भी लिखा कि जब एना इस टीम में शामिल हुई तो उसे ये बताया गया कि एम्प्लॉयज ने काम के बोझ के कारण इस्तीफा दे दिया। लेटर में आगे एना की मां ने लिखा कि बहुत सारा काम होने के कारण उसके पास आराम करने तक का टाइम नहीं था। और तो और, एना की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि उसका मैनेजर अक्सर क्रिकेट मैचों के दौरान मीटिंग्स को रीशेड्यूल करता था और पूरे दिन के बाद उसे काम सौंपता था और वो देर रात तक काम करती थी। यहां तक कि वीकेंड्स पर भी उसे काम करना पड़ता था, क्योंकि डेडलाइंस भी तो जरूरी है, फिर चाहे एम्प्लॉय अपनी जान पर खेल कर क्यों ना काम करे। अब चौंकाने वाली बात तो ये है कि ईवाई से कोई भी एना के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। एना की मां ने कहा कि क्या किसी के पास एक मिनट का समय भी नहीं था कि वो मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में आ जाता। लेटर के अंत में एना की मां ने कंपनी से जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।